मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़न में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शीश जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनंती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कहुओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगद रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा
गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका भी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जांबवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर
सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्दिज, जरायुज, जीव, जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनंती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती चाह भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराए दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे।